नमस्कार, आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी एंड प्लांट्स के बारे में। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग प्लांट्स कौन कौन से चूज़ करें जो आपके लिए लकी रहेंगे, कौन से कलर के प्लांट्स, कौन से कलर के फ्लावर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे जिससे आप अपना लक एनहांस कर सकते हो। तो नंबर वन की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर वन सन का नंबर है। नंबर वन वाले लोग अपने घर के आसपास कुछ भी ऐसे पौधे रख सकते हैं जिनमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे तुलसी हो गई, और साथ ही साथ वो ये भी रख सकते हैं मैरीगोल्ड, जैसे गेंदा, गेंदे का फूल, सनफ्लावर। सनफ्लावर भी येलो कलर का होता है, येलो कलर उनके लिए बहुत अच्छा है। नंबर वन वालों के लिए येलो कलर, ऑरेंज कलर, जैसे सन के कलर्स हैं येलो एंड ऑरेंज, तो येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स लगा सकते हैं। डेलिया भी आता है ऑरेंज कलर का, अब विंटर्स में आएगा डेलिया फ्लावर ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, वो भी लगा सकते हो। आप अपने ऑफिस में भी ये प्लांट्स लगा सकते हो, उससे आपका लक एक्टिवेट होगा, आपका लकी कलर आपके पास होगा तो आपका लक आपके साथ रहेगा। ऐसे नंबर टू की बात करते हैं। नंबर टू वाले अपने आसपास वाइट फ्लावर्स लगाएं। वाइट फ्लावर्स में जैसे हो गया मोगरे का फूल, बहुत अच्छी खुशबू भी देता है, चमेली का फूल, वाइट कलर का रोज़, वाइट कलर का डेलिया, ये सारे वाइट वाइट फ्लावर्स लगा सकते हो आप। और मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, जेड आता है जेड, वो भी लगा सकते हो। ये सारे प्लांट्स नंबर टू के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर थ्री वाले जुपिटर से गवर्न लोग होते हैं। नंबर थ्री ये लोग, इन्हें पीपल का पेड़ और बनाना ट्री, केले का पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन घर में बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए ये दोनों पौधे, क्योंकि घर में लगाने से नुकसान होता है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि घर में पीपल का पेड़ बार बार लग जाता है तो हमारे घर पितृदोष है, पंडित वगैरह भी डरा देते हैं, घर में बार बार पीपल निकलना पितृदोष की निशानी है। पितृदोष वितृदोष कुछ नहीं होता, बेसिकली ये इसलिए बोला जाता है कि घर में पीपल का पेड़ इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पीपल की जड़ें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बहुत डीपली फैलती हैं, बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, और ऐसे ही केले की भी बहुत डीपली जड़ें होती हैं, बड़ी जड़ें होती हैं। पीपल की पेड़ हमारे घर की दीवारों में दरारें तक कर देती हैं, नींव खराब कर देती हैं, घर की सारी दीवारों में घुस के घर गिर सकता है, इसलिए पहले से ये धारणा बनी हुई है कि घर में पीपल नहीं लगाना चाहिए, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो आप मंदिर में लगा सकते हो पीपल, या कहीं ऐसी जगह पीपल का पेड़ या केले का पेड़ लगा सकते हो जहां आप उसे डेली वाटर करने जा सको। एटलीस्ट आपको 43 डेज उन दोनों प्लांट्स को, जो भी आप लगाते हो, उन्हें पानी देना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। और वैसे भी कभी कभार जब आप वहां से गुजरो, या अगर आपने अपने घर के पास लगाया है तो आप उसमें पानी डालते रहो, तो आप जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर फोर की बात करते हैं। राहु, राहु से गवर्न्ड होते हैं नंबर फोर के लोग। तो इन लोगों को अपने घर के आसपास या अपने घर में, अपने ऑफिस में ब्लू कलर के फ्लावर्स लगाने चाहिए। ब्लू एंड येलो भी ये लोग लगा सकते हैं, जैसे येलो मैंने सन के बताए, मैरीगोल्ड, और ये आ गया आपका मैरीगोल्ड के अलावा सनफ्लावर लगा सकते हो। और ब्लू कलर में मॉर्निंग ग्लोरी, जिसे अपराजिता की बेल भी कहा जाता है, ये बहुत सुंदर एक बेल होती है, इस पर ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। और भी दो चार आते हैं प्लांट्स जिनमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो आप अपना नर्सरी से जाके पता कर सकते हो, कोई भी ब्लू कलर के फ्लावर्स आप लगा सकते हो। ब्लू कलर अपने पास रखने से आपका लक एक्टिवेट होता है क्योंकि राहु का कलर है ब्लू, और ये आपका लकी कलर है। अगर आपका ब्लू कलर का प्लांट आप अपने ऑफिस में, अपना ऑफिस में रखो, घर में रखो, दोनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। फिर नंबर फाइव मरकरी। मरकरी का कलर है ग्रीन, तो जितनी ज़्यादा आप अपने घर के आसपास ग्रीनरी रखोगे, घर में इंडोर प्लांट्स रखो, जैसे पाम हो गया, क्रोटन हो गया, जेड हो गया, मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, ग्रीनरी जितनी आप अपने आसपास रखोगे उतनी आपके लिए अच्छी है। घास भी लगा सकते हो, अगर आपके घर में कच्ची ज़मीन है तो घास भी लगा सकते हो, वेजिटेबल्स उगा सकते हो, अगर आपके पास छत है या आपका खुला घर है, जैसे आजकल तो अपार्टमेंट्स हैं तो वेजिटेबल्स ग्रो करना तो इजी नहीं है, लेकिन आजकल लोग टेरेस गार्डनिंग भी कर रहे हैं तो वो सब भी कर सकते हो। आजकल मेरे को भी बहुत शौक चढ़ा हुआ है प्लांट्स लगाने का। आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं डेली फेसबुक पे
प्लांट्स से रिलेटेड एक पोस्ट डाल रही हूँ, तो लेकिन जगह की कमी होने की वजह से हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखाई दी है प्लांट्स की वैल्यू। प्लांट्स लगाएंगे तो हम अपने बच्चों को विरासत में शायद सांसें ही दे दें, और तो कुछ दे सकें ना दे सकें, लेकिन उन्हें अच्छी सांस लेने के लिए अच्छी हवा, अच्छा वातावरण तो दे ही सकते हैं ना। तो जितने ज़्यादा आप प्लांट्स लगाओ उतना बढ़िया। नंबर सिक्स वाले वीनस से गवर्न लोग होते हैं, ये लोगों के लिए ब्यूटी रिलेटेड, वैसे तो सारे ही फूल खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो स्पेशली बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्किड हो गया, इम्पोर्टेड फ्लावर है ऑर्किड, लोटस हो गया, कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर है और सबसे बढ़िया फूल है जो भगवान के चरणों में सबसे पवित्र माना गया, लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। तो लक्ष्मी भी वीनस है और लोटस भी उन्हें चढ़ाया जाता है, तो लोटस लगा सकते हो। आजकल लोटस की भी ऐसी वैरायटी आ गई है जो घर में हम पानी में ग्रो कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोटस, बहुत सुंदर लगते हैं। पहले तो सुना था कि खाली कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन आजकल मैंने देखा है यूट्यूब पे, मैं वीडियोस देखती रहती हूँ प्लांट्स से रिलेटेड, तो पानी में भी कमल खिलने लग गया है। खिलता होगा पहले भी, लेकिन मुझे भी अभी पता चला है। तो नंबर सेवन की बात करते हैं, केतु। केतु से रिलेटेड लोग जो, जिनका नंबर सेवन है, ये लोग क्रीपर्स लगा सकते हैं, बेलें जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, जैसे मनी प्लांट ऊपर की तरफ चढ़ता है, क्रीपर्स, अपराजिता की बेल हो गई, मॉर्निंग ग्लोरी जैसे मैंने बताया, और भी बहुत सारी हैं बेलें, मोगरा की बेल, चंपा की बेल, चमेली की बेल, ये सारे क्रीपर्स लगा सकते हैं। और नंबर सेवन वालों के लिए और बहुत अच्छी एक टिप मैं बताती हूँ, प्लांट्स तो लगाओ ही और साथ साथ में प्लांट्स की गुड़ाई जिसे कहते हैं किसान लोग, गुड़ाई मतलब उसके अंदर कुछ भी चाकू या चम्मच से मिट्टी को खोदते रहना, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। केतु मीन्स डिगिंग, तो आप जितना डिग करते रहोगे मिट्टी को उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा आपका केतु। नंबर एट की बात करते हैं, सैटर्न से रिलेटेड है नंबर एट। तो सैटर्न वाले लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो सैटर्न वाले लोग बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, तो इनका डिप्रेशन दूर कौन करेगा, अशोका ट्री, अशोका ट्री इन्हें लगाना चाहिए। अशोका ट्री घर में भी लगा सकते हैं, पार्क में भी लगा सकते हैं, अशोका ट्री लगाइए और उसके नीचे बैठ के सुबह शाम एक एक कप चाय पीजिए, आपका डिप्रेशन भी भाग जाएगा। साथ ही साथ मैंने डिप्रेशन की भी बहुत अच्छी रेमेडी दे दी आपको, तो अशोका ट्री लगाओ और भी जो मर्जी पौधे लगाओ। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ब्लू कलर और पर्पल कलर के फ्लावर्स आपको लगाने चाहिए, बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। ब्लू एंड पर्पल की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, पर्पल में आपका सदाबहार का पौधा आ गया, मॉर्निंग ग्लोरी आ गया ब्लू कलर का, और भी आप नर्सरी से पता कर सकते हो अपने माली से कि कौन कौन से ब्लू या पर्पल शेड्स के आते हैं फ्लावर्स, वो लगाओ। अशोका ट्री भी लगाओ तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर नाइन की बात करते हैं, नंबर नाइन है मास का नंबर, इन लोगों का लकी कलर है रेड, तो आप रेड कलर के, पिंक कलर के, ऑरेंज कलर के, जो भी ये रेड कलर की फैमिली के शेड्स हैं, रेड, पिंक, ऑरेंज, ये सभी कलर के फ्लावर्स लगा सकते हो। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, रेड रोज़, पीच कलर का रोज़, इंग्लिश रोज़ में आती है पीच कलर की वैरायटी, और डेलिया के सारे कलर्स आते हैं रेड, पिंक, ऑरेंज, ये सब लगा सकते हो आप। तो इन सभी कलर्स को, फूलों को अपने आसपास लगाओ और जितने ज़्यादा हो सके प्लांट्स बढ़ाओ, प्लांट्स की वैल्यू समझो, अभी नहीं समझी तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। तो अगर हमें प्लांट्स ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और साथ साथ अगर हमारा लक भी एनहांस कर रहे हैं, हम अपने लकी प्लांट्स को अपने साथ रखें तो और क्या चाहिए। तो आप करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।